दोस्तों, एजुकेशनल वंदे मातरम चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुए हैं। आज का हमारा टॉपिक है मानव मस्तिष्क यानी कि तंत्रिका तंत्र। चलिए क्वेश्चन को प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का अध्ययन किया जाता है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत मानव मस्तिष्क का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मस्तिष्क का भाग नहीं है, तो इसका सही उत्तर है विकल्प डी, मेरुदंड जो होता है वह मस्तिष्क का भाग नहीं है। अगला प्रश्न, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, तो इसका सही उत्तर है विकल्प ए, अग्र मस्तिष्क मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। अगला प्रश्न, मानव मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग कौन सा होता है, तो मानव मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग मध्य मस्तिष्क होता है। अगला प्रश्न, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, तो मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो है आप विकल्प डी, प्रमस्तिष्क होता है। अगला प्रश्न, प्रमस्तिष्क मानव मस्तिष्क के किस भाग में उपस्थित होता है, तो प्रमस्तिष्क मानव मस्तिष्क के अग्र मस्तिष्क वाले भाग में स्थित होता है, अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न, अनुमस्तिष्क मानव मस्तिष्क के किस भाग में स्थित होता है, तो इसका सही उत्तर है विकल्प सी, ऑप्शन सी, पश्च मस्तिष्क में स्थित होता है। अगला प्रश्न, मानव मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, तो मानव मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग विकल्प बी, अनुमस्तिष्क यानी कि सेरिबेलम होता है। अगला प्रश्न, ज़्यादा अल्कोहल पीने से सिरोसिस नामक बीमारी हो जाती है, इससे मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रभावित होता है, तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी, अनुमस्तिष्क यानी कि सेरिबेलम प्रभावित होता है, जिससे शरीर का नियंत्रण व्यक्ति खो देता है। अगला प्रश्न, पश्च मस्तिष्क का कौन सा भाग नहीं है, पश्च मस्तिष्क का प्रमस्तिष्क जो होता है वह भाग नहीं होता है, प्रमस्तिष्क अग्र मस्तिष्क का भाग होता है। अगला प्रश्न, श्वसन दर पर नियंत्रण पश्च मस्तिष्क के किस भाग द्वारा किया जाता है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पोन्स द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न, जैविक क्रियाएं जैसे रक्त परिसंचरण, श्वसन दर, हृदय की धड़कन, पाचन, उत्सर्जन आदि क्रियाएं पश्च मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित होती है, तो इसका सही उत्तर है विकल्प ए, मॉडुला ऑब्लिगेटा के द्वारा नियंत्रित की जाती है। अगला प्रश्न, मनुष्य में अनैच्छिक क्रियाएं जैसे कि रक्तदाब, लार और उल्टी को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो इसका सही उत्तर है विकल्प ए, मॉडुला ऑब्लिगेटा के द्वारा। अगला प्रश्न, स्वैच्छिक कार्यों के लिए सुनिश्चितता अंग विन्यास निर्वहन और शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है, तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी, अनुमस्तिष्क। अगला प्रश्न, मनुष्य में ताप नियमन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी, हाइपोथैलमस के द्वारा मनुष्य में ताप नियमन को नियंत्रित किया जाता है। अगला प्रश्न, हाइपोथैलमस ग्रंथि मस्तिष्क का एक भाग है, इस ग्रंथि द्वारा पिट्यूटरी ग्रंथि के श्रावण का नियंत्रण किया जाता है, जिससे भूख, प्यास, ताप, गुस्सा, खुशी, संभोग आदि क्रियाएं का नियंत्रण किया जाता है। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है, तो
तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी, सेरिब्रम, यानी कि अग्र मस्तिष्क का यह सबसे बड़ा भाग है। अगला प्रश्न, मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो इसका सही उत्तर है विकल्प ए, शरीर के कुल वजन का 2% होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अनुमस्तिष्क के बारे में सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर है यह पहला विकल्प, यह पश्च मस्तिष्क का भाग है। तो यह बिल्कुल सत्य बात है, यह मस्तिष्क पश्च क्षेत्र में स्थित होता है। तो यह भी सही बात है, यह मस्तिष्क का काफ़ी छोटा भाग है। यह भी सही बात है, अतः विकल्प डी गलत है, अतः विकल्प डी सही होगा। अगला प्रश्न, सॉरी, इसका विकल्प सी सही होगा। अगला प्रश्न, मानव मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना कितनी देर तक बनी रहती है? तो मानव मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना 0.1 सेकेंड तक बनी रहती है। अगला प्रश्न, मैंने अपने हाथ को आगे से वापस खींच लिया, इस तरह की कार्यवाही के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी, मेरुदंड के कारण ऐसा होता है, इस पर नियंत्रण मेरुदंड का होता है। अगला प्रश्न, मानव मस्तिष्क का ग्राम में वजन कितना होता है? तो इसका सही उत्तर है विकल्प सी, 1250 से 1400 ग्राम होता है। अगला प्रश्न, अनुमस्तिष्क से संबंधित है, तो अनुमस्तिष्क से संबंधित यानी कि सेरिबेलम से संबंधित है सभी अनैच्छिक क्रियाएं जो होती हैं। यह मॉडुला ऑब्लॉगेटा से संबंधित है, या दास, भूख, ये सभी जो हैं। प्रमस्तिष्क के सोचने सोचने की क्षमता भी प्रमस्तिष्क से संबंधित है, परंतु अनुमस्तिष्क से संबंधित है विकल्प डी, अनुमाशियों मांसपेशियों के घुमाव व नियंत्रण। अगला प्रश्न, ऊतक न्यूरॉन से बना होता है जो आवेग प्राप्त करते हैं और किसका संचालन करते हैं? तो इसका सही उत्तर है विकल्प सी, तंत्रिका तंत्र का संचालन करते हैं। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी एक तंत्रिका कोशिका है? तो इसका सही उत्तर है विकल्प ए, न्यूरॉन जो होती है यह एक तंत्रिका कोशिका है। अगला प्रश्न, तंत्रिका तंत्र की प्रकृति है, तो तंत्रिका तंत्र की प्रकृति होती है विकल्प डी, विद्युत रासायनिक होती है। तंत्रिका तंत्र की प्रकृति जो होती है विद्युत रासायनिक होती है, क्योंकि यह विद्युत तरंगों को रासायनिक तरंगों में परिवर्तित करती है। अगला प्रश्न, खांसी और छींकने जैसी अनैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है? तो इसका सही उत्तर है विकल्प ए, मेरुरज या मज्जा। अगला प्रश्न, दो न्यूरॉन्स के बीच का स्थान होता है? तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी, सिनेप्स कहलाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमस्तिष्क के बारे में सही नहीं है? तो इसमें दो भाग होते हैं जिन्हें प्रमस्तिष्क गोलार्ध कहा जाता है। तो यह बिल्कुल सत्य बात है, यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, लगभग 80% है, यह भी बिल्कुल सत्य बात है। यह मस्तिष्क का अग्र, शीर्ष और पश्च भाग बनाता है, तो यह भी बिल्कुल सत्य बात है, परंतु विकल्प डी, प्रमस्तिष्क मांसपेशियों की गतिविधियों का समन्वय करता है, यह बात बिल्कुल गलत है, अतः विकल्प डी सही होगा। अगला प्रश्न, मस्तिष्क को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है, जैसे अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। प्रमस्तिष्क अग्र मस्तिष्क का हिस्सा होता है जो मस्तिष्क का लगभग 80% भाग होता है।
सोचना, समझना, स्मरण, प्रेम, घृणा, भय आदि का नियंत्रण व समन्वय प्रमस्तिष्क द्वारा ही होता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा प्रमस्तिष्क का कार्य नहीं है? तो प्रमस्तिष्क का कार्य गणितीय संक्रिया करना बिल्कुल है, तर्क शक्ति एवं बुद्धिमत्ता ये भी है, स्वप्न निर्माण एवं इच्छा शक्ति ये भी है, परंतु विकल्प डी शरीर के संतुलन पर नियंत्रण इसका कार्य नहीं है। अगला प्रश्न, मानव मस्तिष्क के किस भाग में मेमोरी निर्माण की क्षमता होती है? तो इसका सही उत्तर है विकल्प डी, मेमोरी निर्माण की क्षमता प्रमस्तिष्क वाले भाग में होती है। चलिए यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।